कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी गांधी, राहुल जी गांधी और प्रियंका जी गांधी जी का जिस तरीके से एसपीजी सिक्योरिटी हटा दी गई है, इसके ऊपर से मुंबई यूथ कांग्रेस कड़ा विरोध करती है भारतीय जनता पार्टी सरकार का और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का। ये जिस तरीके से गांधी परिवार की, जो हमको पता है कि उनके घर के दो लोगों की हत्या कर दी गई थी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी के बाद, उसके बाद जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दिया है, उनके परिवार के साथ इस तरीके का अन्याय अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सरासर अन्याय है। और ये लोकतंत्र की हत्या पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, राजीव जी की हत्या के बाद ये गवर्नमेंट ने पास किया था कि गांधी परिवार को आजीवन एसपीजी सिक्योरिटी मिलेगी, इसके बाद भी सिक्योरिटी हटा दी जाती है। इसके पीछे मोदी जी का और अमित शाह जी का क्या खेल है? इस खेल जो ये कर रहे हैं इस देश के अंदर, इसका जवाब आने वाले समय पर इनको जनता देगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ऑन रिकॉर्ड एसपीजी के जो डायरेक्टर थे आईबी और रॉ ने, ये लोगों ने पिछले साल 3 बार और इस साल 2 बार इन्होंने बताया था कि गांधी परिवार को जान का खतरा है खालिस्तानियों से, उग्रवादियों से, नक्सलियों से और अलकायदा से, फिर भी उनकी सिक्योरिटी हटा दी जाती है। तो इसके ऊपर से हम मोदी जी का और अमित शाह का कड़ा विरोध।